23 स्कूल्स के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए, जिनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए खर्च किया जाता था। तहम कमीशन माफिया ने मुबैना तौर पर जिले इंतजामिया की मिली भगत से नाकिस फर्नीचर फराहम करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़प कर लिए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद चौधरी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत आवाम को तालीम की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मतदद मनसूबा जात पर अमल पैरा है। असाज़ा को स्कूल के माली मामलात में बाख्तियार बनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जरिए 3 से 4 लाख रुपए तक के फंड्स फराहम किए गए हैं, जिसके जरिए स्कूल के बच्चों और असाज़ा के लिए फर्नीचर की खरीदारी और दीगर ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। मगर ईडियो तालीम मोहम्मद सलीम खान ने भारी कमीशन हासिल करके हुकूमत पंजाब की तरफ से फराहम की जाने वाली इस भारी ग्रांट में से अपना हिस्सा वसूल करके ज़िले भर के हेडमास्टर्स को गगनहट्टा हाई स्कूल में मीटिंग के नाम पर बुलाकर खाली सप्लाई आर्डर पर साइन करवा लिए। हालांकि उन्हें इसका कोई इख्तियार भी नहीं था। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दी गई, जबकि इसी इदारे में मुख्तलिफ फर्नीचर फराहम करने वाली कंपनियों के सैंपल भी इकट्ठे करके रख दिए गए। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा तो ये है कि जिस कंपनी को वर्क आर्डर दिए गए उसने नाकस तरीन सामान फराहम करने की इंतहा करते हुए 3 सीटर डेस्क, कुर्सियां और अलमारियां फराहम की। ज़बरदस्ती आर्डर देने वाले मुख्तलिफ अदारजात के सरबराहान अभी इसी परेशानी में मुबतला थे कि उन्हें इंतहाई नाकस सामान फराहम कर दिया गया, इससे उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। पर कई इसातिज़ा ने एहतजाज करते हुए सामान फराहम करने वाली कंपनी को चेक देने से इनकार कर दिया, मगर कमीशन माफिया ने उन पर मसलसल दबाव डालना शुरू कर दिया। इस तरह जब मीडिया की टीम ने मुख्तलिफ अदारों का सर्वे किया तो मुख्तलिफ हकायक सामने आए। फराहम किया जाने वाला फर्नीचर, जिसमें 3 सीटर डेस्क में लगाया जाने वाला लोहा 18 की बजाय 22 गेज, जबकि लकड़ी भी इंतहाई नाकस थी। कुर्सियों में कील तक नहीं लगाए गए, जबकि नाकस और कच्ची लकड़ी को अभी से ही धीमक लग चुकी है। इस बारे में मुख्तलिफ असातिज़ा और मैनेजमेंट कमेटियों के मेम्बरान ने मीडिया को बताया। नहीं, इसके मुताबिक नहीं है सर। बहुत ये देखें, आप खुद देख लें, यहाँ से देखें, इसको देखें, आप इसकी क्वालिटी को देखें, इसको देखें, तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। तो हमारे किसी ने ये कहा कि ये जो है उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहे हैं, जो उस मेयार का नहीं है, जो उसका सैंपल था स्कूल है लोधरा के कंट्रैक्टर तक एक ही है। स्कूल काउंसिल ने वो मेयार मांग लिया है, इसमें थोड़ी बहुत ही है। खा रहे हैं सब, जो ये मिल के खा रहे हैं सब चीज़ जो है ना, इन कोई किसी को बताते नहीं है। ये बड़े जालिम लोग हैं जो हुकूमत को का पूरी हुकूमत का जो है ना मार खा के दुनिया मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, स्कूल के अंदर बैठे हैं, ना कोई डेस्क सही है, ना कोई बेंच सही है, ना कोई कुर्सी सही है, सब मार खा लेते हैं। अपनी मर्जी से करवाती है, किसी से ना मेंबर को बुलवाती है, ना कभी कभी मीटिंग हुई है। पहले भी 3 लाख उन्होंने काम करवाया, स्टैंडर्ड के मुताबिक भी नहीं है सर, नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। दानिश मीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ए न्यूज़।